नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम रामधारी गुप्ता पति लेखन संख्या 6 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 10 मिनट का रहेगा। इसकी गति पहले 60 शब्द प्रति मिनट, उसके बाद 80 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, तब उन लोगों को कुछ आशा हुई कि हम लोग भी उसी तरह चल सकते हैं जिस तरह से पहले चल रहे थे, लेकिन अभी हाल में जो चुनाव हुआ उससे देश के धनिकों के मन में बड़ा संदेह पैदा हुआ कि इस चुनाव के बाद उनकी स्थिति वैसी नहीं रहेगी जो अब तक चली आती रही है। गरीबों और अमीरों के बीच में अब तक तो बहुत बड़ा अंतर चला आ रहा था, उसको अब तेजी से दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। श्रीमान, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ जो आपने सदन में चालू वर्ष के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। मैं इस बजट का समर्थन करना चाहता हूँ। पैराग्राफ चेंज। श्रीमान, मैं सबसे पहले अपने दल के नेता प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में देश में कांग्रेस दल को स्पष्ट बहुमत मिला और इसके फलस्वरूप यहाँ पर केंद्र में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो कि देश में वास्तव में समाजवाद लाना चाहती है। मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में जनता द्वारा कांग्रेस दल को जो आदेश दिया गया था उन्हें स्मरण है और वह तन मन धन से उसका पालन करना चाहते हैं। वह आदेश था देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करने का, देश से गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी को हटाने का और देश के जो पिछड़े हुए हिस्से हैं उनका पूरा विकास करने का, साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था कि देश के अंदर इस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पैदा की जाए जिसके अंतर्गत जनता शोषण से मुक्त हो सके। श्रीमान, यह ठीक है कि देश में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है,
अब हम इसी डिक्टेशन को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दोहराएंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय तब उन लोगों को कुछ आशा हुई कि हम लोग भी उसी तरह चल सकते हैं जिस तरह से पहले चल रहे थे, लेकिन अभी हाल में जो चुनाव हुआ उससे देश के धनिकों के मन में बड़ा संदेह पैदा हुआ कि इस चुनाव के बाद उनकी स्थिति वैसी नहीं रहेगी जो अब तक चली आती रही है। गरीबों और अमीरों के बीच में अब तक तो बहुत बड़ा अंतर चला आ रहा था, उसको अब तेजी से दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। श्रीमान, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ जो आपने सदन में चालू वर्ष के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। मैं इस बजट का समर्थन करना चाहता हूँ। पैराग्राफ चेंज। श्रीमान, मैं सबसे पहले अपने दल के नेता प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में देश में कांग्रेस दल को स्पष्ट बहुमत मिला और इसके फलस्वरूप यहाँ पर केंद्र में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो कि देश में वास्तव में समाजवाद लाना चाहती है। मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में जनता द्वारा कांग्रेस दल को जो आदेश दिया गया था उन्हें स्मरण है और वह तन मन धन से उसका पालन करना चाहते हैं। वह आदेश था देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करने का, देश से गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी को हटाने का और देश के जो पिछड़े हुए हिस्से हैं उनका पूरा विकास करने का। साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था कि देश के अंदर इस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पैदा की जाए जिसके अंतर्गत जनता शोषण से मुक्त हो सके। श्रीमान, यह ठीक है कि देश में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु इसके साथ ही साथ यह भी दृष्टि में रखना चाहिए कि लागत में भी पूरी वृद्धि हुई है। इसके लिए आवश्यक है कि सिंचाई के साधन बढ़ाए जाए और अधिक उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाए। आज कृषकों को कृषि के यंत्र मिलने में बहुत कठिनाई हो रही है, जैसे छोटे छोटे ट्रैक्टरों का देश में बड़ा अभाव है। उनके बनाने के लिए शीघ्र नए कारखाने खोले जाए जिससे कृषकों को
जल्द से जल्द ट्रैक्टर मिल सके। देश तभी प्रगति करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।